हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र मिलता है जिनको आपको कभी भी किसी और को अपने हाथों से दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहिए। आपने कई बार सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि पैसों का लेन देन हो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन धन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको अगर आप सोच समझ कर दूसरों के हाथों में नहीं देते तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको कभी भी, आज हम बात करें पांच ऐसी चीज़ों की जिनको आपको दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। इसमें पहली चीज़ है पीली सरसों। पीली सरसों को कभी भी हम अक्सर नज़र उतारने के लिए पीली सरसों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं पीली सरसों में नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट करने की, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बहुत बहुत हाई क्षमता होती है। इसलिए कभी भी पीली सरसों किसी के भी हाथ में नहीं देनी चाहिए। एक तो आपको नज़र वगैरह भी उतारते हैं, तो अगर किसी की नज़र उतारे तो उसे अपने हाथों में रखिए और उसको हाथों हाथ आपको फेंक करके हाथ अच्छे से रगड़ के धो लेने चाहिए। और अगर कोई आपसे मांगने आता है, आपके अड़ोस पड़ोस में आता है कोई आपसे कभी भी मांगने आए, तो उसको किसी बर्तन में, कोई कटोरी में, कोई पेपर में बांध के दीजिए, लेकिन किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि आप अपनी लक्ष्मी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। इससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति दावाडोल हो सकती है, और इसीलिए ऐसी गलती आपको करने से बचनी चाहिए। नमक के बारे में तो सभी जानते हैं, हर बार कहती हूँ कि नमक से, नमक को लेकर के तो बहुत बहुत सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि नमक ऐसे एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल सकारात्मक के लिए भी होता है, नकारात्मक के लिए भी होता है। कोई अगर आपको बर्बाद करना चाहे तो आपके यहाँ से सिर्फ एक कटोरी या एक चुटकी नमक भी ले जाएगा तो आपके घर में कंगाली तक छा सकती है। और विशेष रूप से अगर आपने ये नमक किसी के हाथों में दे दिया तो फिर कहा जाता है आप कर्जदार ज़रूर बनेंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ ही जाएगा। इसीलिए ना तो आपको किसी के हाथ से अपने हाथ में नमक लेना चाहिए अगर आप किसी से लेने भी जा रहे हैं, और ना ही आपको किसी को देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आर्थिक परेशानियों को जीवन में बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर रुमाल का लेन देन करते हैं, इवन हस्बैंड को भी देखें, जो भी मूवीज़ वगैरह होती है कितने रोमांटिक सीन्स दिखाते हैं कि हस्बैंड को रुमाल दे रहे हैं, आप उनको सब कपड़े दीजिए, सब कुछ दीजिए, उनकी टाई दीजिए, उनकी शर्ट दीजिए, उनकी घड़ी दीजिए, लेकिन रुमाल आपको उनके हाथों में कभी भी नहीं देना चाहिए। एक तो उनकी आर्थिक पक्ष पे, आपके जो घर की आर्थिक स्थिति होती है, धन की स्थिति होती है, डावाडोल होती है। दूसरा, आप कर्ज तले दब सकते हैं, कर्ज चढ़ सकता है और पारिवारिक जीवन कलह है। इससे कहते हैं कि रुमाल हाथ में देने से, आपने एक बहुत साल पहले सुना होगा, पहले तो रुमाल जब भी देने की बात आती थी मम्मी स्ट्रिक्टली कहती थी अपनी अच्छी दोस्त को रुमाल मत देना, और अगर तुमको किसी से दूर होना है तो उसको रुमाल गिफ्ट कर दो, वो इंसान आपसे ऐसे ही दूर चला जाएगा। तो रुमाल कभी भी किसी को देना ही नहीं चाहिए, और अगर दे भी रहे हैं तो कम से कम हाथों में ना दें, स्पेशली अपने पति के हाथों में ना दें, इस बात का ध्यान रखें। चौथी चीज़ है दोस्तों, जल। अब जल तो हमेशा दान करने को कहा जाता है, जल का दान महादान माना जाता है, लेकिन कभी भी ध्यान रखें, कुछ लोग क्या कहते हैं, जिसे कलश से अगर पानी दे रहे हैं तो जल में हाथ डुबा करके निकाल करके पानी देते हैं, हाथ पानी में डाल करके कभी भी किसी को पीने के लिए नहीं देना चाहिए। ये तो ना तो आपके लिए शुभ माना गया, ना किसी और के लिए शुभ माना गया, वैसे हाइजीनिक भी नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कर्ज के तले डूब सकते हैं। वैसे आपको जब भी देना है टेढ़ा करके बर्तन, उसमें से पानी डालिए, कोई और बर्तन यूज़ कीजिए पानी निकालने के, लेकिन मटके आदि में अक्सर जो ग्लास डुबो डुबो करके जल निकाल करके किसी को दे देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, लाल मिर्च। लाल मिर्च अगेन आप देखते होंगे, नज़र उतारने के लिए साबुत लाल मिर्च जो होती है इस्तेमाल की जाती है, यानी उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की बहुत बहुत हाई शक्ति होती है। तो जब आप किसी को लाल मिर्च अपने हाथों से किसी और को देते हैं तो आप अपने दोष, अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं उस पर्सन को दे देते हैं।
इसलिए लाल मिर्च कभी भी जब मंगल दोष हो तब आप किसी को लाल मिर्च दान में कीजिए, वो भी अपने फैमिली मेंबर को नहीं, किसी गरीब को, किसी नीडी पर्सन को, किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी लाल मिर्च आपको हाथों से नहीं देना चाहिए। एक तो इससे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति से आपके संबंध खराब होते हैं, आपके रिश्तों में कड़वाहट आती है और मधुर संबंध में भी खटास आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको मैंने बताई है 5 चीज़ें, इनको गलती से भी आप अगर चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपसे ना रूठे तो कभी भी किसी के हाथ में ये 5 चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको धन का नुकसान झेलना पड़ सकता है और वो दिन दूर नहीं जब कंगाली आपका मुख देखेगी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख के अपने घर में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको बना कर रख सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर से दूर रख सकते हैं और रोना नहीं पड़ेगा कि हमारे घर में सब पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसी गलतियां करने की वजह से जो आपके घर में नकारात्मकताएँ आ रही है उससे आप परेशान ना हों। तो स्वयं भी करें, छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें कि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।